सादा जा, उसूल दोस्ती बड़ा सादा जा, बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती। कौशल अपना जो उनसे बेताल्लुक हो वो हमारा हो नहीं सकता। और कोई जा रहे होने जनाब अपनी सियासत बचाने वास्ते, और जनाब बेशरम थे गिनती पूरी करने वास्ते सुबह तो शाम नोटा दे बोट और जनाब जमीर खरीदे जा रहे हैं। उन्हें बेजमीरों को तानू तवक्को के कुरान की हिफाजत करेंगे, उन्हें बेजमीरों को तवक्को के इस्लाम की हिफाजत करेंगे। वो इस्लाम का तान आ लेने के मुसलमान बसते हैं, हाँ जी वो इस्लाम का तान आ लेने जे आज ये कह दें जनाब साढ़ा इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं, तो उन्होंने तो पहले ही ताल्लुक कोई नहीं, उन्होंने तो पहले उस इसराम से बैठे वो तो यूरोप इकबाल कहना ये जायराने हरीम मगरब हजार बने रहबर हमारे, हमें इनसे भला वास्ता क्या है जो तुझसे नाशना रहे हैं। ना इन्हों इस्लाम का पता, ना इन्हों पाकिस्तान का पता। कश्मीर ये दे चुके हैं, दो टोटे पाकिस्तान दे करा चुके हैं। पाकिस्तान की मईशत ओ जड़ी उम्मत है जी रोजे आवन तो 2.5% ज़कात देवे, हैं जी फिर फितराना देवे, फिर ईद आवे तो कुर्बानी देवे, फिर जिसका दस्तक होवे इशारा होवे घर होवे जनाब सैलाब होन सलसले होन अग होवे आफत होवे बला होवे और कौम जनाब अतिया करे सारा कुछ, उस कौम नू बैन अल अक्वामी दरवाजे होते कभी IMF के दरवाजे होते, कभी जनाब साम्राज के दरवाजे होते, कभी जनाब आलमी बैंक के दरवाजे होते, भिखारी बना दिता। और भिखारी तो इन्होंने बनाया, कौम भिखारी नहीं, कौम की तर्जुमानी तो आज भी है। दिखाओ ना कैमरे, उन्होंने दिखाओ कि ओए तुसी कुरान जला दो, देखो लखा सीने में कुरान लेके आए बैठे और ये आखन आए कि असि हाफिज भी हाँ मुहाफिज भी हाँ। अपने केस मुकाओ अपनी जनाब डंग टपाओ अपना भरा वापस बाहर लियाओ और नहल लियाओ वापस और जनाब बाकी अपना खानदान बचाओ टब्बर बचाओ सारा कुछ। एक कहना मेनू बदारत उजमत दे दो तो मेरी थोड़ी सुना और कुरान की किन्ने गल करनी इस्लाम की भी किन्ने गल करनी। ये तो खुद सालमा ने सूरह अनफाल से सूरह तौबा खुद कुरान के नसाब चो इतने पाकिस्तान से कढ़ी, इन्हों पता की कुरान हो कुरान तौन हजरत इकरमा जंगे यरमूक के चौखा वेला बन के आ गया। आप सारी रात कुरान पढ़ते सन, कहते सन हाजा किताब रब्बिल आलमीन हाजा कलाम रब्बिल आलमीन। जब कुरान चौखा वेला बनाया तो घोड़े तो थले उतर आए तो जनाब छाल मार के क्या आज वापस नहीं जाना, मौत से बैत करो इतने आज कुरान की हिफाजत की बारी है जी। कुरान के हाफिज जाके जंगे जमामा हुजूर दी खत्मे नबूवत दे उते पैरा देंदे रहन। आज भी हाफिज अदील और हाफिज शहबाज और हाफिज शहरोज जैसे उन्हें कुरान दी हुजूर दी नामूस उते हिफाजत की थी। और ए याद रखो कुफर नु ए चेक करदा कुफर कहने कितनी गैरत बाकी है, कितनी गैरत बाकी। कोई बोलिया और ये कभी नहीं बोलेंगे, इन्हें सिर्फ अपने इकतदार नाल प्यार है। ये कहने मौली साहब जंग ला के रख दईए, मैं कहा तुहानू उदो शर्म नहीं आती जदों मावां दे पुत्र घरों चुके लै जांदे हो सिर्फ एक ट्वीट करन ते, ते कुरान ते जलन उते जंग नहीं लग सकती, क्यों नहीं लग सकती? कुरान ते जलन उते जनाब गल गल तगड़ी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? इस वास्ते कि तुहाडी जात दा मसला, ये दो फीते नू मसला आ गया, ये दो जनाब वजीर के खिलाफ हो गल हो गई, ये जनाब वजीर आजम के खिलाफ गल हो गई, मैं कहा इमाम अंबिया के खिलाफ गल हुई। उदो तुसी कित्थे मरे रहे हो? कुरान रोड उते रख के चला दिता गया, उदो तुसी कित्थे मरे रहे हो? जबान नू जुंबिश भी नहीं आई। ये सब गूंगे शैतान ये साहबदार साढ़े उत्ते मुसलत किए गए, तुसी तगड़े हो। इकबाल कहना मेमार हरम बास बतामीर जहां खेस अस खाबे करा खाबे करा खाबे करा खेस। इकबाल कहना छोड़ो इन कफन चोरों को तेन उम्मीद है, ये तेरे हरम की हिफाजत करेंगे, खुद खड़ा हो और अपने नबी की इज्जत उत्ते भी पैरा दे, कुरान की इज्जत उत्ते भी पैरा दे। या रसूल अल्लाह लबैक 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 या